एनसीईआरटी की डेरिवेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, या इलेक्ट्रिक डायपोल फिर आ गया। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने पिछले चैप्टर में रिजल्ट्स निकाले थे ई के, ध्यान आगे हमने रिजल्ट्स क्या निकाले थे, फाइंड ई ऑन एक्सियल लाइन, फाइंड ई ऑन इक्वेटोरियल लाइन, फाइंड ई ऑन एनी पॉइंट, ऐसे किया था। इसके अंदर डायपोल की वजह से हम वी निकाल लेंगे एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे और एनी पॉइंट पे। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिडर करते हैं। जैसे सपोज करो एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसके ऊपर चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक, ये रहा आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये रहा। डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डायपोल का 2a है, तो ये a है और ये भी a है, क्लियर है यहां तक? डिस्टेंस a एंड a है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें सपोज एनी पॉइंट, एनी पॉइंट का मतलब किसी भी एंगल थीटा पे r डिस्टेंस दूर, आपको क्या निकालना है, v निकालना है। इस क्वेश्चन में e नहीं निकालना, एनी पॉइंट पे क्या निकालना है, v निकालना है। हम डिस्टेंसेस कहां से लेते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, और हमने सेंटर ऑफ डायपोल से r डिस्टेंस पे क्या लिया, v निकालना है, और एंगल इनके बीच में क्या है, थीटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप बस मुझे एक चीज का आंसर दें कि सपोज करो ये जो, अगर मैं डिस्टेंस आपको बता दूं, मान लो ये डिस्टेंस r1 है, जस्ट इमेजिन करें r1 है, और सपोज करो ये डिस्टेंस भी मैं आपको बता देता हूं सपोज r2 है, तो आप मुझे v का फॉर्मूला बता सकते हैं। बोलो v का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r1, या माइनस q डिवाइडेड बाय r1, और यहां से q डिवाइडेड बाय r2, तो r1 r2 की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डायपोल के जो रिजल्ट्स हैं वो ना r1 r2 में नहीं चलते, वो r में चलते हैं, a में चलते हैं और थीटा में चलते हैं। आपका फाइनल रिजल्ट r में, थीटा और a में आना चाहिए, r1 r2 में नहीं आना चाहिए। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करूंगा, इसमें कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इसके ऊपर, इस लाइन को एक्सटेंड करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इसके ऊपर, ऐसे कुछ ऐसा, सच दैट ये डायग्राम बना। ध्यान से देखो, माइनस क्यू क्यू डायपोल, डिस्टेंस ए एंड ए क्लियर, ये एनी पॉइंट से डिस्टेंस कितना आर क्लियर, एंगल थीटा क्लियर, मैंने ये डिस्टेंस ले लिया आर टू क्लियर, और मैंने ये डिस्टेंस माइनस क्यू से आर वन ले लिया, क्या डायग्राम क्लियर है? और एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ, ये ए है, ये थीटा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और सिमिलरली इसमें कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो ये वैल्यू ए कॉस थीटा, ये वैल्यू भी ए कॉस थीटा, कोई डाउट इसमें? तो ये वैल्यू निकाल ली। अब ये ध्यान से देखना, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, ये डायग्राम आपको बड़ा दिख रहा है क्योंकि बोर्ड पे बड़ा दिखाना था, ज्योमेट्री दिखानी थी, प्रैक्टिकल थोड़ा बड़ा है, डायपोल है, डायपोल H2O मॉलिक्यूल, ये तो इतना सा है कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखना, मतलब आपको एक्चुअल में तो ये डायग्राम इतना ही दिखना है, ये रहा, शायद ये भी ज्यादा बड़ा दिखा दिया, इतना भी नहीं दिखना आपको, मतलब टेलीस्कोप लेके बैठ जाओगे तो भी नहीं दिखेगा, इतना छोटा है ये, तो फिर भी बड़ा बना रहे हैं। तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि ये बता ये पॉइंट है ये प्लस क्यू या माइनस क्यू, वो कह रहे पहलते पहलते मुझे दिखी एक पॉइंट रहा है, आप ही को दो पॉइंट दिख रहे होंगे प्लस क्यू माइनस क्यू, चलो दो पॉइंट है, इससे इसकी दूरी और इसको इसकी दूरी कितनी है, वो कहता ऑलमोस्ट एक जैसी है। ऑब्वियसली जब पॉइंट ही बहुत छोटा है तो वहां से दूरी क्या निकालोगे, पॉइंट है तो इतना सा दिखेगा कुछ भी नहीं, बिल्कुल वही रिजल्ट को यूज कर रहे हैं आप। इसमें ये इमेजिन करें कि ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये आर टू है, मैं अप्रोक्सीमेटली, देखो इक्वल टू नहीं बोल रहा, अप्रोक्सीमेटली ये दूरी को इसके इक्वल लेने वाला हूं, बस इतना मैं ये मान रहा हूं कि ये और ये दूरी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, क्योंकि ये डिस्टेंस मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज वेरी 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 स्मॉल, ये तो है ही बहुत छोटा, लो ना लो फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने ये भी नहीं कहा कि मैथ वॉयलेट कर रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा इक्वल टू, मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली, तो अंदाजे से ये और ये डिस्टेंस बराबर ले लेता हूं, तो r2 की वैल्यू क्या आएगी, ये टोटल डिस्टेंस कितना है r, r r में से a cos थीटा क्या कर दिया माइनस, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या आ गया r माइनस a cos थीटा, तो डिस्टेंस क्या आ गया r माइनस a cos थीटा, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक। उसी तरीके से ये जो r1 डिस्टेंस देख रहे हो,
ये R1 डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल लेने जा रहा हूं मैं, विच इज इक्वल टू R प्लस ए कॉस थीटा। तो R2 का मतलब R माइनस ए कॉस थीटा, R1 का मतलब अप्रोक्सीमेटली R प्लस ए कॉस थीटा अंदाजे से, मतलब किसी में एक कॉस थीटा माइनस कर दिया और किसी में एक कॉस थीटा प्लस कर दिया, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, तो इसके अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0Q/R2 और यहाँ से -Q/R1, ये रिजल्ट क्लियर है। मैंने अप्रोक्सीमेटली कॉमन निकाल लिया, R1 को क्या लिखा R प्लस ए कॉस थीटा, R2 को क्या लिखा R माइनस ए कॉस थीटा, R1 R2 की जगह पुट कर दिया, LCM ले लिया, a² - b², ये टर्म लेफ्ट ये राइट, आर से आर कैंसल, ये टर्म बच गई, क्यू इंटू टू ए क्या होता है पी, डायपोल मोमेंट, आंसर। तो पोटेंशियल एनी पॉइंट पर इसके इक्वल है, अगर थीटा जीरो हो जाए तो ये पी पॉइंट कहां पर आ जाएगा, एक्सिस पे, तो कौन सी लाइन है एक्सियल, और थीटा 90 तो इक्वेटोरियल, तो थीटा को अगर आप जीरो पुट करते हो तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो कौन सा पॉइंट है ये एक्सियल लाइन पर वी की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेटोरियल पे थीटा को 90 पुट करते हैं कॉस 90 क्या है 0, इक्वेटोरियल पे आंसर 0 आएगा। फॉर्मूला रजिस्टर में ये फॉर्मूला नोट कर लें, फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लें और स्पेशल केस के रिजल्ट्स भी नोट कर लें। तो हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल लिखें, ठीक, ये हेडिंग डालें फॉर्मूला रजिस्टर में और ये फॉर्मूले को नोट करके लिख लें, एक्सियल में थीटा 0 पुट करना है और इक्वेटोरियल में तो होता ही नहीं है क्योंकि माइनस क्यू और क्यू का पोटेंशियल आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ये नोट करें प्लीज। डेरिवेशन देखो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, फ्रीक्वेंट नहीं आने वाली मेरे, देखो मैं तो दे सकता हूँ, मैं तो टेस्टिंग सारी करवाऊंगा ना यार, मैं थोड़ा ना CBSE के करूंगा, पिछले तीन हो सकता है दे भी दूं यार, मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, उसमें कर लिमिट्स तो चेंज करनी है। ध्यान आगे, जो मैंने क्वेश्चन आता देखा है बोर्ड में CBSE में फेमस क्वेश्चन है वो यही आता है कि बताओ यहाँ पोटेंशियल निकालो क्या होगा, एक डायपोल देगा वो आपको, डायपोल के इक्वेटोरियल के ऊपर पोटेंशियल पूछेगा 0, तो आंसर ABCD में 0 मार्क करना है, एक्सेल पे ही देता इक्वेटोरियल पे देता है तो ये आएगा, और वैसे भी अगर ना भी रहा रिजल्ट या तो कोई बात नहीं, ये जितना पोटेंशियल नेगेटिव लगाएगा ये उतना ही पोटेंशियल भी लगाएगा पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा नेट 0। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक,